हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मसिन ठाकुर। ये क्लास 12th का बायोलॉजी का एक चैप्टर है, वो आपको मैं बताना चाहूँ। और चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड डेलीशन। ये काय में आता है तो ये आता है जेनेटिक्स में, ये आता है जेनेटिक्स का पोर्शन। सबसे पहले बात करें जेनेटिक्स की और उसकी कुछ कंसेप्ट की। सबसे पहले अगर हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स जो वर्ड है ये इससे इंट्रोड्यूस मैं कराया था बैट्सन ने, इससे हमें इंट्रोड्यूस कराया था 1905 बैट्सन ने ये दिया। ठीक है, दूसरी बात हम ये करते हैं जेनेटिक्स में हम दो चीजों की स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी, इसमें हम दो चीजों की स्टडी करते हैं। पहली जो है हमारे पास वो है हेरिडिटी, और दूसरे जो है वो है वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है हमारे पास? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना, माता पिता से गुणों, माता पिता के गुणों का संतान में आना, उसको हम क्या बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, और जो गुण वही कैरेक्टर क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाते हैं, और जो बदलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो कहलाते हैं वेरिएशन। अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन हिंदी में क्या बोलते हैं, विभिन्नता। तो वेरिएशन की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के वेरिएशन है। वेरिएशन की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के हैं, पहले हेरिडिटरी है और दूसरे जो है वो है एनवायरमेंटल। तो अगर हम बात करें कि जो हेरिडिटरी वेरिएशन है ये काय के कारण होते हैं, इट इज प्रोड्यूस बाय द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर और जीन एक्सचेंज या वही क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर ही मान लो, क्रॉसिंग ओवर के कारण ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें एनवायरमेंटल वेरिएशन, ये काय के अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारे पास काय के कारण होता है, या लाइट, ठीक है, टेम्परेचर, इनके कारण जो होते हैं हमारे पास, उनको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएशन। तो पहली बात हमने जो की, हमने बोला जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है, तो जेनेटिक्स वर्ड जो हमें किसने दिया था, बैट्सन ने। जेनेटिक्स के अंतर्गत हमारे पास हम दो चीजों की स्टडी करते हैं, एक हेरिडिटरी, हेरिडिटी, और दूसरा क्या है, वेरिएशन, है ना। हेरिडिटी क्या होती है, मदर फादर से कैरेक्टर का संतान में आना, है ना, ठीक है, वो क्या कहलाता है हेरिडिटी, और ये क्या कहलाता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड दीज आर कॉल्ड द हेरिडिटरी कैरेक्टर एंड अदर वन इज द वेरिएशन। मतलब जो कैरेक्टर आए उससे जो अलग आए उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन। वेरिएशन दो टाइप के, हेरिडिटरी और वेरिएशन, में दो चीजें हम देखेंगे, दो कारण कारण है वेरिएशन के, हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल। ये क्रॉसिंग ओवर के कारण प्रोड्यूस होते हैं, और ये काय के कारण आते हैं, लाइट टेम्परेचर के कारण वेरिएशन आते हैं। आगे देखिए, देखिए आगे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्रोमोसोम के बारे में पता होना चाहिए और चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं और कहाँ से आते हैं, तो मैंने बोला ये सेल है जैसे, है ना, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। ठीक है, अगर इस क्रोमेटिन नेटवर्क से पानी निकल जाता है, ठीक है, तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क काय में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, क्रोमोसोम में, है ना, ये क्रोमेटिन नेटवर्क काय में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। और ये हमें पता है क्रोमोसोम काय में मिलते हैं, पेयर्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, इनसाइड ऑफ सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, व्हेन एवर न्यूक्लियस लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल देन क्रोमेटिन नेटवर्क, दिस इज द क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क मीन अ थर्ड लाइक स्ट्रक्चर which is found in nucleus, chromatin network. Whenever chromatin network lost the water, it gets condensed into the thread-like structure, and these thread-like structures called the chromosome. Chromosome word is chromosome. Number of chromosome in species is fixed. In case of human beings, it is 12 is equal to 46.
क्रोमोसोम का नंबर हर स्पीसीज के अंदर फिक्स होता है और एक आई में मिलता है, पेयर्स में मिलते हैं। अब अगर हम क्रोमोसोम को थोड़ा सा और देखें, क्रोमोसोम को थोड़ा सा और देखें, तो ये मैंने बोला ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम हमारे पास, दिस सिंगल वन क्रोमोसोम, ये काय से निकला बना होता है दो क्रोमेटिड से, सेम ये दो क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है ना, दिस इज द क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम है ना, और ये क्या है हमारे पास क्रोमेटिड, क्रोमेटिड, ठीक है, एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से मिलकर बनता है। और इसको देखें तो ये और हमारे पास जो है और अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा, ये क्या कहलाता है, क्रोमोनिमेटा, निमेटा, ठीक है। ये क्रोमोनिमेटा जगह जगह पर इस प्रकार से क्या होता है, कॉइल हो जाता है और काय का फॉर्मेशन करता है, हमारे पास जीन्स का फॉर्मेशन करता है, काय का फॉर्मेशन करता है, जीन्स का फॉर्मेशन करता है। तो क्रोमोनिमेटा पर हमें जो है क्या मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं, ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं, जीन्स, है ना, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, जीन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये हुई बेसिक कंसेप्ट हमारे पास, कि पहले जब भी हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो हमारे पास हमें ये क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर पता होना कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमेटिड क्या होता है, ये वाली बात पता होगी, ठीक। अब हम आगे की बात करेंगे भाई, देखिए जो हमारे पास जेनेटिक्स में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका है, मेंडल का है, ठीक है, और मेंडल को ही हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो हमारे पास जो लगेंगे, सबसे पहली बात हमारे पास जो एक टर्म्स लगेगा उसको हम बोलेंगे फीनोटाइप, फीनोटाइप, फीनोटाइप मतलब आउटर अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, वो दिखता कैसा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर अपीयरेंस, जैसे माइंड अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट लिया था वो क्या लिया था, पी पाइजम सेटाइवम, मटर, मटर के पौधे पर इसके सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट, मटर के पौधे की पूरी स्टडी थी। तो मैंने एक पहले जो पहला बेसिक एक्टर वो क्या है, फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप मतलब आउटर अपीयरेंस, कि कोई चीज कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, फिनोटाइप मतलब आउटर अपीयरेंस, है ना, यानी वो दिखता कैसा है, टॉल है, ठीक है ना, लंबा है, टॉल है, ठीक है, लंबा है या डॉट है, छोटा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आउटर अपीयरेंस, ठीक है। दूसरी बात आई जीनोटाइप, नंबर जो सेकेंड बात आई वो क्या है, जीनोटाइप, जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, हमारे पास जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप मतलब क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास जैसे मैंने बोला टॉल है वो, तो टॉल के लिए उसके लिए जीनोटाइप क्या है, तो मैंने बोला कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। अगर ड्वार्फ है तो उसके लिए उसके पास जीनो जीन क्या है, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जब हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, जीनोटाइप, है ना, और आउटर अपीयरेंस की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप, ठीक। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड बात करें आगे की, तो होमोजाइगस, है ना, होमोजाइगस स्टेज, होमोजाइगस को क्या बोलते हैं, एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती दो जीन्स अगर समान है, जैसे मैंने बोला एक कैरेक्टर है टॉल, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हुए दो जीन्स सेम है ना, तो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए दो जीन अगर आइडेंटिकल समान है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कंडीशन क्या कहलाती है, होमोजाइगस। जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए क्या हुआ हमारे पास, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हुई अगर दो जीन समान होती है तो वो क्या कहलाता, होमोजाइगस, ठीक है। टू आइडेंटिकल जीन्स विच रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर इज कॉल्ड द
होमोजाइगस स्टेज या होमोजाइगस कंडीशन या और होमोजाइगस। फोर्थ बात अगर हम करें हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्या होता है? ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे पास एक टॉल प्लांट है और इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, टॉल प्लांट को। तो एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए अगर दो जीन हमारे पास डिफरेंट होते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन आर द कंडीशन व्हेन जीन रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर बट आर दे आर डिफरेंट इज कॉल्ड अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स द टॉल प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट एक बात और आती है हमारे पास फिफ्थ, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन क्या होती है ना, डोमिनेंट जीन की बात करें तो हमने बोला जीन, वो जीन जो अपने आप को होमोजाइगस और हेटरोजाइगस दोनों स्टेज में शो करती है, होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस स्टेज दोनों में शो करती है जीन विच रिप्रेजेंट होमोजाइगस एज वेल एज हेटरोजाइगस स्टेज इज कॉल्ड द डोमिनेंट जीन। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों कंडीशन में प्लांट हमें कैसा दिखाई देगा, टॉल। तो वो जीन जो अपने आप को होमोजाइगस और हेटरोजाइगस दोनों कंडीशन में प्रेजेंट करती है क्या कहलाती है, हमारे पास डोमिनेंट जीन। नाउ नेक्स्ट है सिक्स्थ, और वो है हमारे पास रेसेसिव जीन। रेसेसिव जीन, रेसेसिव जीन क्या होती है, वो जीन जो अपने आप को केवल होमोजाइगस है ना स्टेट में शो करती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, है ना, रेसेसिव होमोजाइगस स्टेट में शो करती है इसको, अगर दोनों स्मॉल टी लिखे तो उसको क्या बोलेंगे, रेसेसिव होमोजाइगस। रेसेसिव होमोजाइगस स्टेट में शो करती है तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, उसको हम बोलेंगे रेसेसिव जीन। ठीक है, तो ये था होमोजाइगस हेटरोजाइगस डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट जीन और रेसेसिव जीन। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता हमारे पास, उसको हम बोलते हैं एलील, ए डबल एल एलील और एलीलोमॉर्फ, एलील और एलीलोमॉर्फ, ये क्या होता है। तो जीन्स का पेयर जो होमोलोगस क्रोमोजोम पर हमारे पास रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास, एलील कहलाता है। एलील मतलब पेयर ऑफ जीन्स विच प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम, है ना, जीन्स का जोड़ा जो होमोलोगस क्रोमोजोम पर प्रेजेंट रहता है वो क्या कहलाता है, एलील। या हम क्या बोले कि एक कोई कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर कौन सा है, जैसे हाइट है ना, एक कैरेक्टर कौन सा है, जैसे हमारे पास है हाइट, तो हमारे पास एक कैरेक्टर है हमारे पास हाइट, ठीक है, ठीक है, और हाइट हमारे पास टॉल भी हो सकती है और डॉर्फ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल टी से, ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, इसके एलील होगा। तो ये इस तरीके से बता सकता है, या जीन्स का जोड़ा जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाता है हमारे पास, एलील कहलाता है। ये थे हमारे पास टर्म्स, ठीक, ये था स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं बायो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर, है ना, प्रिंसिपल और इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन पार्ट वन, ठीक है। अगर इसके अंदर आपके कोई भी डाउट है तो वो आप मेरे इस नंबर 9893860 पर फोन करके कॉल करके पूछ सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव नंबर और है 8272260070, इस पर भी आप मेरे से अपने डाउट पूछ सकते हैं, है ना। इसको पूरा स्टडी कीजिए, हाउ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, है ना, हेटरोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन, एलील्स और हेरिडिटी, ये क्या होते हैं। फिर अपन इसके अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। तो उससे पहुंचने से पहले ये वाला पोर्शन
अपना पूरा क्लियर होगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूछें। थैंक यू।